हेलो बच्चों, टोटोमेरिज्म का पार्ट जो फर्स्ट है उससे कुछ फंडे क्लियर हुए होंगे और टोटोमेरिज्म कौन शो करता है ये बातें आप सीख गए होंगे। अब पार्ट टू लेकर आया हूँ मैं, जिसमें अपन टोटोमर बनाना सीखेंगे। डेफिनेशन क्या है वो तुम्हारे सामने आएगी और न जाने कितनी सारी और बातें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फिर कहूँगा एग्जाम्पल रटना नहीं है, मेरा तरीका पकड़ना है, मेरा उसी तरीके से आंसर बनाना है, अपने आप आंसर बनेंगे। तो मैं आपको टोटोमर अब बनाना सिखाता हूँ, लेकिन जो पार्ट सेकंड डायरेक्ट देख रहा है वो पहले पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें, तभी वो सीख पाएगा, अदरवाइज अपन इस फिनोमिना को सीख नहीं पाएंगे। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ और मैंने सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड के एग्जाम्पल लिए और मैंने एसिटाल्डिहाइड लिखा। विशेष बात क्या है कि मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से जब लिखता हूँ, तो मैंने आपको कल ही बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि ए डबल बॉन्ड बी है और ये अल्फा हाइड्रोजन है, दैट्स वाई कंडीशन फुलफिल होगी, मतलब ये आइसोमेरिज्म आएगा। अब करना क्या होता है कि जिस किसी फार्मूले में ये आइसोमेरिज्म दिखाने की एबिलिटी आ गई, उसकी एक अल्फा हाइड्रोजन को आप इस तरह से अलग से दिखा दें, और चाहे फॉर्मूला एल्डिहाइड का हो चाहे कीटोन का हो, यदि उसमें कार्बोनिल ग्रुप नजर आ रहा है तो उसको अपन कीटोफॉर्म बोलने वाले हैं, ये कीटोफॉर्म कहलाएगी। अब क्या होगा, अब इमीडिएटली इसकी इनॉल फॉर्म बनानी है। कैसे बनानी है कि इस अल्फा हाइड्रोजन को तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ऑक्सीजन पे ले जाऊं, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन की जो शिफ्ट कर दो, कैसे होता है वो मैकेनिज्म में आएगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि एक्चुअली ये बॉन्ड तो यहां बन गया और ये बॉन्ड यहां बन गया, मतलब हाइड्रोजन यहां से वहां चली गई और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। ऐसा होते ही मुझे ये फॉर्मूला मिला, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और डबल बॉन्ड पे ओवर जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं अपन इनॉल। तो हमने टोटोमेरिज्म का दूसरा नाम कीटो इनॉल बोला था, उसका मीनिंग ये है, एक फॉर्म कीटो है दूसरी इनॉल है, इसलिए इसको कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। लेकिन हर टोटोमर्स को कीटो इनॉल बोलेंगे जरूरी नहीं है, आज कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी आएंगे जहां कीटो इनॉल फॉर्म होगा ही नहीं, तो वहां फिर मैं डायड और ट्रायड फॉर्म काम में लूंगा। अब मैं एक जो डेफिनेशन है वो बताना चाहता हूं टोटोमेरिज्म की। ध्यान दें, रैपिड ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन बिटवीन टू मोर या बिटवीन टू पॉलीवेलेंट एटम्स। दोबारा बोल रहा हूं, रैपिड ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन बिटवीन टू पॉलीवेलेंट एटम्स इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म। आप क्या देखते हैं, कार्बन की वैलेंसी भी एक से ज्यादा है, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी भी एक से ज्यादा है, और ये हाइड्रोजन कभी तो कहां, अभी तो कहां लगी हुई है, कार्बन पे, अगले क्षण कहां से लगी, ऑक्सीजन पे, और वापस मैं बैकवर्ड आ रहा हूं तो ऑक्सीजन से कहां आ गए, वापस कार्बन पर। तो ये जो ऑसिलेशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोन। अब प्रोटोन कैसे बन के जाती है, मैकेनिज्म में आने वाला है, इस घटना को अपन टोटोमेरिज्म बोलते हैं। अब मैंने पिछले वीडियो में कुछ नाम बताए थे, उसमें से एक नाम था डेस्मोट्रोपिज्म। डेस्मो का मतलब होता है बॉन्ड और ट्रोपिज्म का मतलब होता है रोटेशन। तो आप देखने, बॉन्ड में रोटेट कर रहा हूं इसलिए नाम पड़ गया। फिर मैंने एक नाम लिखाया था प्रोटोट्रॉपी, अभी भी मैंने बताया कि हाइड्रोजन प्रोटोन की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसे नाम पड़ गया प्रोटोट्रॉपी। फिर मैंने कहा था कैटाइनोट्रॉपी, तो प्रोटोन कैटाइन ही तो है, इसे नाम पड़ गया कैटाइनोट्रॉपी। अब एक जबरदस्त बात क्या है, वो ये कि जो दोनों फॉर्म बनी है ये आपस में इक्विलिब्रियम में है, और ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, लगातार एक दूसरे में कन्वर्जन चलता रहता है, इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्शन रुकता नहीं है, इसलिए अपन बोलते हैं ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डायनेमिक आइसोमेरिज्म। तो जो मैंने पिछले वीडियो में इसके कई सारे नाम बताए थे, उसमें से एक नाम ड्यू है भी डायड और ट्राइड, जो अगले एग्जाम्पल्स में या आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में मैं क्लियर करूंगा, लेकिन कीटो इनॉल से लेकर सारी टर्म्स के मैंने मीनिंग बता दिए। अब एक जबरदस्त बात क्या है कि ये दोनों आपस में फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म भी तो हैं, तो मैं कह सकता हूं टोटोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप की फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म है, जहां दो फॉर्म आपस में इक्विलिब्रियम में रहती हैं, जहां दो फंक्शन ग्रुप आइसोमर आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इस घटना को भी हम टोटोमेरिज्म बोल सकते हैं। तो ध्यान दें, दोनों फॉर्मुला आपसे रिलेशनशिप पूछे तो नो डाउट ये फंक्शन ग्रुप आइसोमर है, लेकिन जब भी दो फंक्शन ग्रुप आइसोमर के बीच में एक हाइड्रोजन के जगह बदलने से एक दूसरे की फॉर्मेशन हो रही हो, तो इस घटना को आप टोटोमेरिज्म पे प्रायोरिटी दें। सिंगल करेक्ट में टोटोमर बताना इन दोनों को, मल्टीपल में मोर देन वन करेक्ट जो जेई एडवांस में आते हैं उनमें आप टोटोमर एज वेल एज फंक्शन ग्रुप आइसोमर बता सकते हैं, लेकिन सिंगल करेक्ट में टोटोमर ही बताना है। सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब एक जोरदार सी बात कि एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला अपन हमेशा ये लिखते हैं, हालांकि उसकी एक फॉर्म वो भी है,
हम एसेटल्डिहाइड का कोई बोलता है तो वो फॉर्मूला नहीं लिखते हैं। इसका मतलब जो फॉर्मूला जिस फॉर्मेट में लिखा जाता है ना वो उसकी स्टेबल फॉर्म होती है। तो मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ कि कीटो फॉर्म जो है मोर स्टेबल होती है, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। अब कारण जानेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें हमेशा कीटो ऑलवेज मोर स्टेबल होगी ऐसा बोलना भी गलत है। जनरली कीटो फॉर्म इन ऑल फॉर्म से मोर स्टेबल होती है। इसका मान लो रीजन पूछ ले, एक छोटी सी लाइन में इसका कारण छुपा हुआ है। इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, मैं कह सकता हूं ये सी डबल बॉन्ड हो है, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ध्यान रहे इस बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड। तो इतना छोटा सा कारण है, पूछ ले कीटो फॉर्म मोर स्टेबल क्यों होती है इनॉल से, तो आपका आंसर होना चाहिए कीटो फॉर्म में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। मतलब ये बॉन्ड फॉर्म बनता है तो एनर्जी ज्यादा निकलती है, सिस्टम में से एनर्जी ज्यादा निकल गई तो पीछे एनर्जी कम बची, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो ध्यान रहे कीटो फॉर्म मोर स्टेबल क्यों होती है, उसका रीजन मैंने बता दिया है। मैं एक दो एग्जाम्पल और लेता हूं। मान लीजिए मैंने एसीटोन लिया, मुझे एसीओ दिख रहा है, मैं कीटो फॉर्म ही बोलने वाला हूं, और किसी भी एक तरफ की मैं अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे ले गया, मैं इसको इनॉल बोलूंगा, और फिर कह दूं ये मोर स्टेबल है। हर बार ऐसा लिखना कोई जरूरी नहीं है, एक बार और लिख देता हूं ये लेस स्टेबल है, और रीजन वो का हुआ है। ध्यान, रीजन वो का हुआ है, मैंने मान लो साइक्लिक कीटोन लिया और मैं सीओ देखकर कीटो बोल रहा हूं, दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन पड़ी है, किसी भी एक तरफ की अल्फा हाइड्रोजन यहां से आप ऑक्सीजन पे जाते हैं, तरीका बताया था मैंने, और डबल बॉन्ड यहां बनाते हैं, ये इनॉल फॉर्म बन गई। ये लीजिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे। अब मैं इसके मैकेनिज्म की बात करता हूं, उससे वो अपन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे दिलवाएगी। हालांकि मैकेनिज्म मेरे से कोई लिखवाएगा नहीं एग्जाम के अंदर, लेकिन उस पर बेस्ड कई बार प्रॉब्लम एग्जाम में भी होती है, प्रैक्टिस करते समय मेरे सामने भी आती हैं, इसलिए उनको सॉल्व कर सकूं मैं, उनको मैं बिना रटे हुए आंसराइज कर सकूं, हमें सीखना होगा। अब सीखते जाएं मैकेनिज्म की बात, लेकिन एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान रहे कार्बोनिल ग्रुप जो है ना मेरा, कार्बोनिल ग्रुप जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, लेकिन ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी है। तो ध्यान रहे ऐसे कुछ फंक्शन ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों तरह बिहेव करते हैं। उनका मैं एक तरीका बताता हूं कि जहां भी दो डिफरेंट एटम के बीच में पाई बॉन्ड है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लोन पेयर भी पड़ा है, वो इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों तरह बिहेव करेंगे, और जो इलेक्ट्रोफाइल एज वेल न्यूक्लियोफाइल दोनों तरह बिहेव करते हैं वो दोनों मीडियम में रिएक्ट करते हैं, वो एसिडिक में भी करते हैं और बेसिक भी में भी करते हैं। आपने नोट किया हो कि कार्बोनिल कंपाउंड का जब अपन चैप्टर पढ़ते हैं तो बहुत सारी रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड की एसिडिक मीडियम में दी है किताब में, एनसीईआरटी में, और कुछ बेसिक मीडियम में भी दी हुई है, लेकिन हर चैप्टर में ऐसा नहीं है। इसी में ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने भी बोला है कि मेरा कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों तरह बिहेव कर सकता है, तरीका बता दिया है मैंने। साइनाइड फंक्शन ग्रुप है, कार्बन नाइट्रोजन डबल ट्रिपल बॉन्ड है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसे साइनाइड की रिएक्शन भी एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में होती है। एसिड के सारे डेरिवेटिव्स में डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में और ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इसीलिए एसिड के सारे डेरिवेटिव एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में हाइड्रोलाइज होते हैं। ये लॉजिक होते हैं, ये लॉजिक्स हैं कि कोई भी हमारी मर्जी से रिएक्शंस नहीं होती है, हर एक के पीछे लॉजिक होता है। मैंने एक तरीका बताया है मैंने कि आखिर इनकी रिएक्शन दोनों मीडियम में क्यों होती है, किसकी होती है और किसकी नहीं होती है। तो ध्यान रहे टोटोमेरिज्म दोनों मीडियम में होती है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। ऐसे नहीं कि पड़ा पड़ा एसिटेट अपने आप उसमें बदलता होगा, नो, जब भी रिएक्शन होगी एसिडिक या बेसिक मीडियम में तो वो थ्रू इनॉल फॉर्म में या इनॉल में बदलेगा, फिर आगे प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं इसके मैकेनिज्म दोनों मीडियम में ले रहा हूं, समझना वो क्यों ले रहा हूं, कि कुछ क्वेश्चंस के मुझे आंसर देने हैं, देखते जाओ सीखते जाओ। ये लो, पहले मैं बेसिक मीडियम की बात करता हूं, समझना मैकेनिज्म, और पहली है इन बेसिक मीडियम, सीखते जाना रटना नहीं है। मैंने एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला ऐसे लिखा और ये मैं बेस लेकर आया और इस एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन को मैंने यहां से बाहर निकाल लिया, ये मैंने वाटर हटाया और विशेष बात है यही इस रिएक्शन का आरडीएस है, और ऐसा होने से यहां नेगेटिव आ गया, कार्बन आयन बन गया और यहां रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो नो डाउट ये इसमें कन्वर्ट होगा और रेजोनेटिंग
स्ट्रक्चर वाले वीडियो में मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी समझाई थी, इनमें से मैंने इसको मोर स्टेबल बताया था, और इन दोनों के पेयर को इनोलेट आयन बोलते हैं, इनोलेट आयन बन गया। अब क्या हुआ कि जो ये वाटर हटा इसको मैंने यहां लिखा, अब मेरे पुराने वीडियो फिर सीखो, जो थ्री कीज वाला वीडियो था मेरा, ये देखो एनायन, ये बड़ी एसिडिक अर्जुन एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो एसिड बेस होने से ये प्रोटॉन यहां चला गया, और जैसे ही प्रोटॉन यहां गया ये लोग कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में बदल गए। तो जो मैंने बोला कि ये अल्फा हाइड्रोजन यहां से ऑक्सीजन पे चली जाती है, तो देखो अल्फा हाइड्रोजन हटी किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, फिर वाटर से एच प्लस आकर कहां जुड़ गया, ऑक्सीजन के ऊपर। इस तरह से हाइड्रोजन दो एटम के बीच में ऑसिलेट होती है। अब क्या हुआ, जैसे ही प्रोटोन यहां आके जुड़ा तो मेरे पास OH- माइनस आ गया वापस। अब OH- माइनस क्या करेगा भाई, इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा तो वाटर हटा, ऐसा होते यहां से एच प्लस गया, ये बन गया, ये बन गया, तो नो डाउट फिर रेजोनेंस होगा, तो मैं यहां पहुंच गया, नेगेटिव आ गया। अब इस पे क्या होगा, भाई वाटर हटा, इस वाटर का एच प्लस आके वापस जुड़ जाएगा, फिर एसिटेट बन गया। ये लीजिए रिवर्सिबल स्टेप है सारे, मेरी बात समझ में आ गई हो तो। एक बात तो ये निकली कि अल्फा हाइड्रोजन कार्बन से हटके ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन से वापस कार्बन पे ऑसिलेट कर रही है। दूसरी बात, इसमें कार्बन आयन बना है। अब मैंने ये मैकेनिज्म क्यों लिखी उसका मैं कारण बता रहा हूं। मुझे प्रैक्टिस बुक्स में एक प्रॉब्लम बार बार रिपीटेड फॉर्म में मिलती है, बार बार उसको मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, और समझना और सीखना और आपके आंसर फटाफट बनने लगेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि मुझे एसिटाल्डिहाइड या किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के आगे एरो पर ओडी माइनस और साथ में D2O लिखा हुआ मिलेगा, और यहां एरो पे प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, या इसकी जगह वो 5 to 6 डेज लिख देगा, मतलब इनको लंबे समय तक कॉन्टेक्ट में रखना है, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट का मतलब यह है। और ध्यान रहे ये टोटोमेरिज्म के लिए एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, हम इसमें ये प्रूव करना चाहते हैं कि हर रिएक्शन की मैकेनिज्म वेरीफाई होती है आइसोटोपिक मेंबर लेकर, तो हम इसमें ये प्रूव करना चाहते हैं कि वाकई में अल्फा हाइड्रोजन कार्बन से हटकर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे जाती है। जब भी मैं एक बात बताना चाहता हूं, बात आपको, जब भी कोई क्वेश्चन में किसी भी एरो पर एल्डिहाइड कीटोन के आगे एरो पर यह कंडीशन मिले ना, तो क्या करना कि उस रिएक्टेंट में जितनी भी अल्फा और एसिडिक हाइड्रोजन है, अल्फा एज वेल एज एसिडिक हाइड्रोजन, उनको हटाकर वहां ड्यूटेरियम लगा देना। ये लीजिए, मेरे पास ये एसिडिक तो नहीं है लेकिन अल्फा तो है, ये मेरा आंसर है CD3CHO, ये मेरा आंसर बन गया। अब कैसे बना, मैं मैकेनिज्म पे बात करता हूं। यहां देखिए OH- माइनस की जगह OD- माइनस, OD- माइनस यहां से H का प्लस निकालेगा तो यहां नेगेटिव आ गया, नेगेटिव रेजोनेंस करके यहां गया। अब सॉल्वेंट की फॉर्म में कौन दे रखा है, D2O, D2O सॉल्वेंट है तो एक्सेस में है, तो यहां वाटर की जगह D2O अटैक करेगा और D2O का D जाकर यहां जुड़ जाएगा, इनॉल बन गई, फिर OH- माइनस उसको हटाएगा। और एक बात और बताना चाहता हूं, मैं ऐसा भी मैं कर सकता हूं टोटोमेरिज्म इस फॉर्म में होगी, लेकिन जब ये एनायन बन गया तो D2O यदि इस पे अटैक कर दे और ये चूंकि एक्सेस में है तो इसका ड्यूटेरियम जाकर यहां जुड़ जाए, तो क्या ऐसा होने से ये नहीं मिल गया मुझे, मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन की जो ड्यूटेरियम आ गई। अब इस पे वापस OD- अटैक करेगा, वापस एक हाइड्रोजन को हटाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर D2O का ड्यूटेरियम आके यहां जुड़ जाएगा, और तीसरी बार एक बार फिर हाइड्रोजन हटेगी और यहां नेगेटिव आएगा, फिर ड्यूटेरियम आके वाटर से D2O से जुड़ जाएगा। इसका मतलब 1 by 1 मैंने सारी अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस कर दी ड्यूटेरियम से। इसको प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, इसको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन फेवर ऑफ टोटोमेरिज्म बोलते हैं। ये एविडेंस है कि अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में हिस्सा लेती है। मैंने ये जो बात बोली इसको दोबारा बोल रहा हूं, ढंग से सुनना। मैंने क्या बोला, जब भी किसी एल्डिहाइड कीटोन के आगे एरो पर ओडी माइनस D2O लिखा हुआ मिले, 5 to 6 डेज लिखा हुआ मिले, आप तो ये करना कि जितनी भी अल्फा हाइड्रोजन है और एसिडिक हाइड्रोजन है उनको हटा के वहां ड्यूटेरियम लगा देना। मेरे पास दोनों तरफ दो दो अल्फा हाइड्रोजन है, मैं उनको हटाकर यहां ड्यूटेरियम लगा रहा हूं। क्लियर हो गई मेरी बात। अब एक पॉइंट है, वो ये कि मान लीजिए मुझे ये फॉर्मूला मिल गया, मुझे ये फॉर्मूला मिल गया और इसके आगे उसने OD- D2O लिख कर पूछ लिया कि प्रोडक्ट के अंदर कितने ड्यूटेरियम है। समझना बच्चों, सीखना है।
मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जब कंजुगेशन होता है तो एलाइलिक हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में हिस्सा लेती है। नो डाउट अल्फा भी बड़ी है, लेकिन इस अल्फा की तुलना में एलाइलिक मोर एसिडिक है, क्योंकि जब यहां से एच प्लस हटेगा तो यहां नेगेटिव आएगा, और इस नेगेटिव चार्ज का यहां से लेकर यहां तक रेजोनेंस होगा, मतलब ये लंबा रेजोनेंस है, मतलब ये मैं कह सकता हूं कि एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। लेकिन यहां जब नेगेटिव आएगा तो केवल वो इसके साथ रेजोनेंस कर पाएगा, जबकि ये रेजोनेंस लंबा था, दैट्स व्हाई अर्जुन मोर एसिडिक है। तो जब यहां से अर्जुन हटेगी तो मैं बोल सकता हूं दो अर्जुन पड़ी है मेरे पास, दो अर्जुन पड़ी है, दोनों के दोनों हटेंगे ड्यूटेरियम लग जाएगा, दो यहां पड़ी है वो हटेंगे तो ड्यूटेरियम लग जाएगा। लेकिन एक अच्छा और जबरदस्त पॉइंट बताना चाहता हूं, और इसमें फिर एक एडिशन हो जाएगा कि जब मेरा ओडी माइनस यहां से एच का प्लस निकाल लेगा तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज मुझे पता है रेजोनेंस करेगा, तो ये यहां गया और ये यहां गया, तो अगला स्ट्रक्चर मेरे पास ये बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। और फिर ये यहां और ये यहां गया तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया। मैं एक बात बताने जा रहा हूं कि इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन है, वो विनाइलिक है, लेकिन जैसे ही रेजोनेंस हुआ तब यह कार्बन विनाइलिक नहीं रहा, ध्यान रहे विनाइलिक नहीं रहा, सिंगल बॉन्डेड हो गया है, डबल बॉन्डेड कार्बन को मैंने विनाइलिक कहा था। अब ये हाइड्रोजन हटाई जा सकती है। आपको मैंने क्या बोला था कि जहां नेगेटिव चार्ज आता है D2O वाला D जाके वहां जुड़ जाता है, तो क्या यहां नेगेटिव चार्ज नहीं आया? इसका मतलब यहां ड्यूटेरियम जोड़ा जा सकता है। तो मेरा एक पॉइंट सीख लें बच्चों, ढंग से बहुत समराइज वे में बोल रहा हूं, टॉटोमेरिज्म के दौरान जब भी किसी एरोपरी कंडीशन मिले जहां जहां नेगेटिव चार्ज आया है वहां वहां की हाइड्रोजन हटाकर ड्यूटेरियम लगा दे। अब आप कहेंगे सर मुझे नेगेटिव चार्ज कहां आएगा, मुझे पता नहीं चल रहा। जो हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में हिस्सा लेती है बेसिक मीडियम में, वो हटती है और वहां नेगेटिव चार्ज आता है। तो मुझे पता है दो जगह, तो यहां दो तो हाइड्रोजन ये पड़ी, दो ये पड़ी, और एक ये वाली हट जाएगी। कंफ्यूजन मत लाना बच्चों, डायरेक्ट ये नहीं हटती है, लेकिन रेजोनेंस होने के बाद ही हट गई, क्योंकि अभी ये कार्बन विनाइलिक नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्डेड हो जाता है। तो पता है मेरा आंसर क्या बना? मेरा आंसर ये बन गया कि ये लीजिए दो ड्यूटेरियम तो यहां लगा दिए, दो यहां लगा दिए, और एक यहां लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलेंगे, पेपर में आए हुए मिलेंगे, अब वो सॉल्व हो जाने चाहिए। मेरी बात पकड़ में आ गई हो? मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, सीखना उसको भी सीखना ढंग से। ये लीजिए, मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ लिख दिया और मैंने केवल ओडी माइनस D2O लिखकर प्रोडक्ट में कितने ड्यूटेरियम में आएंगे पूछ लिया। मैंने क्या बोला, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा, और एक यहां OH और लगा देता हूं, लेकिन ये एसिडिक हाइड्रोजन है। मैंने क्या बोला था, एसिडिक, देखिए बेसिक मीडियम लगा ये नहीं हटेगा क्या, तो यहां नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा क्या? मैंने क्या बोला, जहां नेगेटिव चार्ज आता है वहां वहां की हाइड्रोजन हटाकर हमें ड्यूटेरियम लगाना है, और अल्फा हाइड्रोजन हटती है, एसिडिक और अल्फा हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में हिस्सा लेती है, या बेसिक मीडियम आएगा तो वो हटेंगी। तो मेरा आंसर क्या बना भाई, ये एज इट इज पड़ा है, और यहां मैं ओडी कर दूंगा, यहां एक ड्यूटेरियम लग जाएगा, यहां दो ड्यूटेरियम लग जाएंगे। अब ये मत कहिए सर इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा ये भी तो है, नो, मेन फंक्शन ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन को हटाना है, इस फंक्शन ग्रुप की तो एसिडिक हाइड्रोजन हटेगी। एक अच्छा शानदार क्वेश्चन और देखो, जोरदार सा क्वेश्चन। मान लीजिए मुझे तो फिनॉल के आगे एरो पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ओडी माइनस और D2O लिखा हुआ मिल गया, 5 to 6 days लिखा हुआ मिल गया। अब मुझे पता है जब ये इस पर अटैक करेगा जिस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। जब यहां नेगेटिव आएगा तो क्या वो नेगेटिव चार्ज रिंग में रेजोनेंस नहीं करेगा? और जब रिंग में रेजोनेंस होगा तो क्या यहां नेगेटिव और फिर यहां नेगेटिव और यहां नेगेटिव नहीं आएगा? और मैंने क्या बोला, अभी समराइज तरीका क्या बताया है कि जहां जहां नेगेटिव आया उस जगह की हाइड्रोजन को हटा के ड्यूटेरियम लगाओ। तो पता है मेरा इस केस का आंसर क्या हो गया, इसकी जगह ड्यूटेरियम, एक ड्यूटेरियम यहां, एक ड्यूटेरियम यहां, एक ड्यूटेरियम यहां, ये मेरा आंसर है, समझ में आ गया हो। तो मैंने सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल लिए, मैंने मैकेनिज्म बताई किसमें, बेसिक मीडियम में, और मैंने प्रूव किया कि इसकी मैकेनिज्म दोनों मीडियम में क्यों होती है। छोटा सा तरीका एसिडिक मीडियम की मैकेनिज्म का है, वो और बता देता हूं, फिर पार्ट 3 के अंदर मैं कुछ और एग्जांपल लूंगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है बच्चों ये, इसलिए मैं इसको कई पार्ट्स में ले रहा हूं। तो ये पार्ट 2 में कुछ एग्जाम्पल मैकेनिज्म आ गया, एक वेरायटी आ गई प्रॉब्लम ट्रीटमेंट वाली, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व अब मेरे ख्याल में चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। एक मैं तरीका और बता दूं एसिडिक मीडियम में मैकेनिज्म का, छोटी सी मैकेनिज्म है, देखते जाओ ताकि मैकेनिज्म का पार्ट अपना खत्म हो जाए। सीखना,
कि एसिडिक मीडियम में कैसे कीटोइनोल में बदलता है। मान लीजिए मुझे एसिटाल्डिहाइड के आगे एसिडिक मीडियम दिया गया, कोई भी एसिडिक एसिडिक मीडियम बनाया, मान लीजिए मैंने कोई HA- ले लिया है। ऐसा होने से क्या हुआ अभी कि मैंने अभी बताया था क्या कि मेरा कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, क्योंकि उसमें A डबल बॉन्ड भी है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लोन पेयर पड़ा है। तो जब एसिडिक मीडियम आएगा तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी, मेरी ऑक्सीजन अब अनस्टेबल हो गई है। क्या होगा अब इस एसिड का जो एनायन बचा वो मैं लिख रहा हूं और मैं इसकी एक अल्फा हाइड्रोजन को अलग से दिखा रहा हूं, तो ये इस अल्फा हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो ये एच ए एसिड फिर हट गया और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, ये इधर शिफ्ट हो गया। ऐसा होते ही पता है क्या हुआ, ये लो इनॉल बन गई। जैसे इनॉल बनी और अब क्या देख रहे हैं आप कि देखिए अब क्या हुआ, इसका लोन पेयर रेजोनेंस की शर्त में, तो ये यहां और ये यहां आया, तो ऐसा होने से मेरे पास सी एच टू माइनस डबल सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये प्रोटॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ और मुझे मेरा एसिटाल्डिहाइड वापस मिल गया। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो एसिडिक मीडियम में भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, बेसिक मीडियम में भी होती है, अपने आप बड़े बड़े मॉलिक्यूल कन्वर्ट नहीं होता, कोई मीडियम आएगा तो होगी। लेकिन पेपर में मान लो क्वेश्चन आया कि फॉलोइंग में से टॉटोमेरिज्म कौन दिखाएगा और कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं और आपको मान लो एसिटाल्डिहाइड ऑप्शन में मिल गया और आप कहते हैं मैंने तो सर राइट नहीं लगाया क्योंकि मीडियम तो लिखा हुआ ही नहीं था। क्वेश्चन जब आएगा टॉटोमेरिज्म कौन शो करे उसमें मीडियम नहीं लिखे होते हैं, आपको मेरे पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो की शर्त लगा के आंसर निकालना है। लेकिन टॉटोमर बनाते समय हमें रिएक्शन करवाते समय कोई कोई मीडियम लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल में आपको इस पार्ट सेकंड के अंदर टॉटोमर कैसे बनाते हैं, कीटोइनोल का मीनिंग क्या है, डेस्मोट्रोपिज्म का मीनिंग क्या है, प्रोटोट्रॉपी का मीनिंग क्या है, डायनेमिक आइसोमेरिज्म क्यों बोलते हैं, क्या मैकेनिज्म है और किसी भी एल्डिहाइड कीटोन के आगे ओडी माइनस और डी2ओ 5 to 6 days लिखा हो तो क्या करना है, उसकी मैं समरी रिपीट कर दूं। जहां जहां नेगेटिव चार्ज आए वहां वहां की हाइड्रोजन को हटाकर वहां ड्यूटेरियम लगा देना। दो क्वेश्चन लिख देता हूं, इनके सॉल्यूशन बनाना। ये लीजिए, मान लीजिए मुझे ये प्रॉब्लम मिल गई और ओडी माइनस डी2ओ लिखा हुआ मिल गया, प्रोडक्ट में कितने ड्यूटेरियम आएंगे पूछ लेगा। और मुझे ये मिल गया, मान लो ये लो और इसके आगे ओडी माइनस डी2ओ लिखा हुआ मिल गया, प्रोडक्ट में कितने ड्यूटेरियम होंगे, आप आंसर खुद निकाल के देखें और पार्ट थर्ड के लिए तैयार रहें।